आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो मैंने ये पाया कि जैसे इस बिजनेस की नेचर है कि ये कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो आपने स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया और आपका बिजनेस वॉल्यूम 1 करोड़ से ज़्यादा पहुंचा और वहाँ से फिर वो डाउन हुआ और डाउन होते होते 2 लाख पे आ गया। तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव कैसे रहा जाता है? देखिए, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल समय था, और मैं थोड़ा सा बता दूं, मैंने कभी बोला नहीं कि मैं इन दोनों डिप्रेशन में भी आ गया था, अच्छा। क्योंकि जब हम तेज़ गति से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले सीखना बंद करते हैं। आदमी सक्सेस को पचा नहीं पाता। जब वो तेज़ गति से आगे बढ़ता है तो सबसे पहले उसके कान बंद हो जाते हैं, उसे उसे थोड़ी गलत फहमी हो जाती है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वही सही है, तभी तो मैं सक्सेस हूँ। और यही चीज़ एक व्यक्ति को ख़त्म कर देती है। अंग्रेजी की कहावत आपने सुनी होगी, परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर आप सोचते हैं कि आप परफेक्ट हैं तो समझ लो लकवा लग गया है। और मेरे साथ यही था कि जब मैं तेज़ गति से आगे बढ़ा तो मैंने सीखना बंद कर दिया। मुझे लगा कि मैं ही सबसे परफेक्ट हूँ, और उसकी वजह से मेरी टीम में बहुत प्रॉब्लम आई। इतनी प्रॉब्लम आई कि मैं उसको एक समय बाद हैंडल नहीं कर पाया और बिजनेस धड़ाधड़ गिर गया और मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया। मेरे पास दो ही तरीके थे, या तो मैं वापस नौकरी चालू कर दूं, आम आदमी की तरह जीवन जीऊं, या फिर मैं एनालिसिस करूं। ये जो मैंने अभी कविता आपको बताई, उस कविता में ये एक बात थी कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। और मैंने सबसे पहले इस उंगली को सामने वाले के ऊपर रखने के बजाय अपने ऊपर रखना चालू किया, क्योंकि जिसके ऊपर भी मैं उंगली कर रहा हूँ उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। मैं कहूँ कि साहब मौसम खराब हो गया इसलिए मेरा बिजनेस खराब हो गया, तो मौसम को मैं चेंज नहीं कर सकता। मैं कहूँ कि मेरी बीवी खराब है इसलिए बिजनेस, तो मैं बीवी को चेंज नहीं कर सकता। मैं कहूँ कि साहब राजनेता खराब है तो राजनेता में मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी मुझे यही सोचना पड़ेगा कि अगर यही खराबी की वजह से, डाउनलाइन अपलाइन की खराबी की वजह से मेरा बिजनेस डाउन हुआ, तो फिर सबका डाउन होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि मेरा अकेले का डाउन हो रहा है, दूसरे का बढ़ रहा है? तो हम उंगली उठाकर लोगों की कमियां ढूंढने के बजाय अपनी कमियां ढूंढें, और जिस दिन अपनी कमियां ढूंढेंगे तो 100% हम उसमें सफल होंगे। और उन दिनों आपको आश्चर्य होगा कि मैंने एक पूरी किताब लिख डाली, कभी वो पब्लिश नहीं हुई किताब। कोशिश करता हूँ कि कभी भविष्य में टाइम मिले तो मैं उस किताब को कंप्लीट करूँ। मैंने लिखा है कि मेरी MLM में गलतियाँ, मल्टीलेवल मार्केटिंग में मेरी गलतियाँ, और मैंने यूट्यूब पे उसका जिक्र भी करना चालू कर दिया। अभी 9 गलतियाँ तक आ गई और मैं लगातार 100 गलतियों तक उसके अंदर नहीं, जिक्र बहुत अच्छा करूंगा। चैनल है और मैं भी उसको बहुत पसंद करता हूँ, वो एक अल्टीमेट चीज़ है सर। बस यही है कि जो अनुभव है, किसी तरह से जो समय हमें लगा वो लोगों को नहीं लगे, क्योंकि समझदार लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा अनुभवी आदमियों से सीख जाते हैं। हो सकता है कि मैंने अपनी अपलाइनों से शुरुआत में ज़्यादा नहीं सीखा इसलिए मुझे टाइम लगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे टीम में या हिंदुस्तान के लोग है ना मेरी कमियों से नहीं सीखे। जो कम से कम मैंने गलतियाँ की वो कम से कम आप लोग ना करें, डायरेक्ट सेलिंग के लोग नहीं करें, ऐसी मेरी आशा रहती है, और इसलिए मैं इस तरह का चैनल लॉन्च किया। तो अगर बिजनेस डाउनफॉल हो रहा है तो उसमें घबराएं नहीं, एनालिसिस करें और सीखें उसमें, सीखना बंद नहीं करें। तो सीखने के जो भी प्रोसीजर हैं, अपलाइन की बात को मानना है या टेप सुनना है या किताब पढ़ना है, उसको सीखेंगे तो फिर उससे बाहर आ जाएंगे हम। ट्रेनिंग ट्रेनिंग आल्सो ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी अगर आप लगातार करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सुधार आएगा। दैट्स ग्रेट सर।